भारतरे कोरोना भाइरस रो नुवा रूप ओमिक्रॉन रो प्रभावता बढ़िबार लागिछि। एहा भितर अनेक वैक्सीन कंपनी निज निज टीकार प्रभावशीलता को नहीं शंका प्रकट करथिबा बेले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बा आईसीएमआर एक्सपर्ट्स माने भारतीय स्वदेशी टीका कोवैक्सीन उपरे निजर भरोसा रखिसथि। भारत बायोटेक निर्मित कोवैक्सीन कोरोनार एही नुवा भारिएंट विरोध में लड़िबा को संपूर्ण सक्षम बोली आईसीएमआर पक्षरु कहा जायछि। एक्सपर्ट को कहवा अनुसायी ए वैक्सीन टी इनएक्टिवेटेड वायरस टेक्निक उपरे तैयारी करा जायछि जहाँकि संपूर्ण वायरस को निष्क्रिय कर दै थाए एवं यह नुआ वायरस उपरे प्रभावी साब्यस्त होइ पारे। या पूर्व कोवैक्सीन कोरोनार अल्फा बीटा गामा एवं डेल्टा वेरिएंट विरोध में काम करथिबारु नुआ वेरिएंट विरोध में मध्य समपरिमाण रो काम करबो बोली स्वास्थ्य विशेषज्ञ आशा रखिसथि। सेपटे तृतीय लहर रे कोवैक्सीन रो प्रभाव को नहीं मेडिकल जर्नल लांसेट रो रिपोर्ट सामना को आसीछि। रिपोर्ट अनुसायी कोवैक्सीन कोरोना भाइरस विरोध में 77.8% प्रभावशील थिबा बेले डेल्टा वेरिएंट विपक्ष में 65.2%, गभीर संक्रमण उपरे 93.4%, 18 ରୁ 59 वर्ष वर्गर लोकों उपर 79.4% और 60 वर्ष ऊर्ध्व लोकों उपर 67.8% प्रभावशाली बोली जनापड़ी। यासो रिपोर्ट मुताबक कोवैक्सीन डोज नेबा परे संक्रमण आशंका कम रही है। प्रथम डोज पर संक्रमण हार 0.04% और द्वितीय डोज पर संक्रमण हार 0.04% रही है बोली जनापड़ी। तेबे कौन यही कोवैक्सीन एवं किपरि होइछि एहार निर्माण पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड सह मिसी एही वैक्सीन रो प्रस्तुति करथिले। सूचना अनुसार संक्रमित किंतु बिना लक्षण थिबा व्यक्तिक ठारू संग्रहित वायरस रो एक स्ट्रेन को एनआईवी अलग करी भारत बायोटेक को प्रदान करथिला एवं भारत बायोटेक पक्षरु एने रिसर्च करा जाय शेष रे इनएक्टिवेटेड बा असक्रिय वायरस टेक्निक उपरे वैक्सीन तयारी करबा पई चेष्टा करा जायतिला अर्थात सुप्त अवस्था थिबा वायरस को एथिरे व्यवहार करा जायतिला। वैज्ञानिकों मत अनुसायी मनुष्य शरीर में थरे ही वैक्सीन डोज प्रवेश कले वायरस अन्य संक्रमित करिवार क्षमता आउ न थाए। ए वैक्सीन नेबा परे लोकंक मध्यरे इम्यून सिस्टम वृद्धि पाई थाए कारण पूर्व ही यह वायरस को चिन्हट करी यह विरोध में एंटीबॉडी सृष्टि कर सारी थाए। यह एंटीबॉडी कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन उपर आक्रमण करता है और लोकंक कोरोना संक्रमण रु रक्षा करिଥାଏ। रिपोर्ट अर्गस न्यूज।